उनकी बेटी, उनके परिवार, सारा वुमेन सेल, ऐसी जो अमर कॉलोनी डॉट इन लॉ, ठीक बात है, और प्रदीप साहब और साथ में जो SHO अमर कॉलोनी साहब आए हैं, और जितना भी वुमेन सेल SJPU और CCTNS सभी जगह का स्टाफ, जो चौकी का स्टाफ है, मैं सभी का आज कंचन मैम के रिटायरमेंट पर जो है वो वेलकम करती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उनकी रिटायरमेंट को उतना ही खूबसूरत बनाया जितनी की बननी चाहिए थी, क्योंकि इतनी लंबी सर्विस करने के बाद जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी मेमोरीज हमारे साथ होती हैं, और ये वो मोमेंट्स होते हैं जिस मेमोरीज को हम अपने साथ कलेक्ट करके लेके जाते हैं कि हमें किस तरीके से विदाई उस डिपार्टमेंट से मिली जिसमें हमने इतनी मेहनत, अपनी पूरा लाइफ दी जिसको हमने, क्योंकि जब से भर्ती होते हैं तब से अपना घर बार सब चीज़ें हम लोग जो है दाव पे लगा के उनको ये कहिए कि बिल्कुल टाइम ना देते हुए और इस तरीके से अपनी डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं कि हम कभी भूल जाते हैं अपनी सारी चीज़ों को, अपने दोस्त यार, अपनी सारी रिश्तेदारियाँ, इवन कोई भी ऐसा मौका नहीं आ पाता कि जिसमें हम अच्छे मोमेंट्स में या दुख सुख के मोमेंट में अपने परिवार के साथ जाकर कहीं कोई ऐसा जो हम वजह से कई सारी चीज़ें मिस करनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, उन सब मोमेंट्स को भी हम दिल्ली पुलिस के साथ जो है अपनी डेडिकेशन के साथ जो है ड्यूटी करते हैं, तो वो सब इन्होंने अपनी, मेरी दो बार इनके साथ पोस्टिंग रही है और बहुत ही अच्छा टेन्योर मेरा इनके साथ रहा है, इतनी सारी मेमोरीज मेरी इनके साथ हैं, मैं सराय रोहिला में इनके साथ थी, यहाँ पर ACP थी मैं, तब मैं इनके साथ की, मेरे पास SJPU देख रही थी, और मैंने जैसे DCP साहब बता रहे थे कि एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि जब इनको कोई काम बताया गया और इन्होंने कभी लेट डाउन होने दिया, हमेशा बेफिक्र हो जाते थे इनको काम बताकर, ये हमारी सबकी पहचान है कि हम लोग अपनी ड्यूटी को कितनी सिंसियरिटी से करते हैं, और आज ये गैदरिंग जो है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर इनका नेचर अच्छा नहीं होता या इनके व्यवहार आप लोगों के साथ सभी के साथ अच्छा नहीं होता या इन्होंने अपनी ड्यूटी सिंसियरिटी से नहीं दी होती तो शायद इतने सारे ऑफिसर्स, इतने सारे कोलीग्स, इतने सारे जितने भी लोग हैं और इवन ये पार्टी भी शायद कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता, वो तभी ऑर्गेनाइज होती है जब आपका काम अच्छा होता है, आपका व्यवहार अच्छा होता है, तो वो चीज़ें बहुत ही अपने आप में बहुत मायने रखती है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी बहुत अच्छी लाइफ काट कर जो इन्होंने दिल्ली पुलिस में 38-39 ईयर्स दिए हैं, और इनके आगे के बेटर फ्यूचर के लिए मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स इनको देती हूँ, इवन मेरी भी 28th को रिटायरमेंट होने वाली है तो मैं भी इन्हीं की कैटेगरी में हूँ, तो बहुत सारी मेरी ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि मेरे साथ काम करके जो इन्होंने एक सुकून वाले पल मुझे भी दिए, मैं बेफिक्र रही, वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले जो पल हैं इनकी लाइफ के, जो कमियाँ इनकी लाइफ में रह गई हैं, जो ख्वाहिशें ये अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर पाई, जो दिल्ली पुलिस को टाइम देने की वजह से ये अपने जो कहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनके परिवार के और इनके अपने प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति थी, वो इन्होंने पूरी नहीं की, वो अब इनके पास वक्त ही वक्त है, उन चीज़ों को पूरा करें, जहाँ पर भी जाना चाहती हैं, रिलीजियस प्लेसेस देखना चाहती हैं, अपने इन लॉज को टाइम देना चाहती हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हैं, तो वो सब दें, और मैं सारे परिवार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अब ये आप लोगों के हवाले हैं, इसकी केयर करना अब आप लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि बहुत साल इन्होंने जो है ना वो अपनी हेल्थ खोई है, अपना सब कुछ खोया है, तो अब इनको जो है आप अच्छे से और लुक आफ्टर करेंगे, प्यार देंगे, तो जो आगे की लाइफ है वो बहुत ही अच्छी गुजरेगी। मैं फिर सबका, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं इस टाइम, जो नहीं भी किसी वजह से आ सके, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और कंचन जी को फिर दोबारा से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा टेन्योर काटा है, और ऐसी ही सभी की विदाई पार्टी हो दिल्ली पुलिस से, सब अपनी अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारें और इनकी हेल्थ अच्छी रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ रहे, जो चीज़ें ये नहीं कर पाई हैं वो ये करें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। हम सब सबको एक अगली पार्टी के लिए अभी से इनवाइट कर देते हैं, मैडम की रिटायरमेंट की पार्टी फिर दोबारा यही होगी इस फरवरी के लास्ट में, हमारी मैडम ACP मैडम जिंदाबाद, बिंदास है, बहुत बिंदास है, हम इनकी पार्टी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, जो आप इतना रिस्पेक्ट ट्रांसफर होने के बाद भी दे रहे हैं, और मेरे लिए बड़े ही ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस मोमेंट रहेंगे, और बहुत ही मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है, बहुत ये बहुत बड़ा रिवार्ड है, थैंक यू मैम। डांस करना है आपने भी कहा ना, हम जैसे होते हैं वैसे देते हैं, आप हैं तभी आप ही बोल रहे हैं इतना, आप हैं अच्छे बहुत। मेरे लिए तो ACP मैडम मंदिर की मूर्ति है, मैडम
आपकी पार्टी मैं ही करूंगी सलाम में। मैडम के लिए जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, मैडम की तारीफ के लिए वर्ड्स ही नहीं है। मैडम के लिए मतलब मैं तो मैडम को फॉलो करती रहती हूँ फेसबुक ट्विटर हर जगह, मैडम डेली इनवाइट रहती है कहीं ना कहीं, तो बड़े हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि मैडम के साथ हमने टाइम बिताया और पोस्टिंग काटी, हम बोलते हैं बड़े चाहे कि मैडम आपके बोले नहीं, नहीं हम मैडम के साथ थे, मैडम हमारे साथ ही थी, मैडम हमारी है, तो बड़ा अच्छा लगता है मैडम के लिए बोलना। और मैडम के लिए तो सुनते ही मतलब मेरी भी लाइफ में मैंने आज तक किसी पुलिस ऑफिसर के लिए ओनली मैडम के लिए इतना सुना है कि कोई भी आज तक ऐसा नहीं मिला कि मैडम कहीं से भी जरा सी भी बुरी है, माइनस वन पड़ जाए। कॉमन मैडम चोरी में से आई है भी बता दो, कॉमन मैडम सीसीआर के लिए भी आऊंगी कहीं भी हूँ। थैंक यू मैडम, सब लोग केक लेके जाएंगे और ढोल के कहा है उसके बाद तो शब्दों की कमी अपने आप ही हो जानी चाहिए हमारे पास, लेकिन फिर भी आपको कंचन जी बहुत बहुत मुबारक हो। और नरेंद्र मैडम आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कराया, इतना हम लोग भी बहुत से रिटायरमेंट पार्टी कल हमारे अमर कॉलोनी में किसी की थी, लेकिन हम लोग ऐसा लगता है जैसे मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ आके पता लगा पार्टी क्या होती है। दूसरी चीज ये सीखने को मिली हमें, आज तक केक का ये याद था कि अब केक कटेगा तो हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। तो ये देखिए हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, बिंदास नौकरी करी है मैडम ने तो हिप्पी बोल रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज। और अच्छा हुआ इसमें बहुत से पुराने कुलीग्स हमें भी मिले, हमें भी एकदम से ऐसा उम्मीद नहीं लगती थी। अभी एसएचओ साहब यही कह रहे थे इतने तो हमारे यहाँ नहीं इकट्ठे हो पाते, और वो भी जो सेल से बाहर से आए हैं ये ज्यादा गेस्ट होना शोज के आप लोगों के अंदर कितना अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज करने की क्षमता है। सभी को एक बार बहुत बहुत मुबारक हो, कंचन जी आपको आपके परिवार को, और हम उम्मीद करते हैं आप अपने लिए जैसा सुरेंद्र मैडम ने कहा कि चीज़ें यहाँ पे मिस हो जाती हैं ड्यूटी के चक्कर में। सबसे बड़ी बात है अगर कब को नहीं पता होगा, शायद मुझे पता